हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के मंत्रियों ने हमारे भावी उम्मीदवार श्री अविनाश मिंज को अपनी सभा में आमंत्रित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में आमंत्रित होकर वहां की रौनक को बढ़ा दी और उन्होंने वहाँ के बहुत से पर्यटन स्थल में घूमकर अपना मनोरंजन किया। वे छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर रहकर झारखंड का गुणगान बहुत जोर शोर से किया। तो आइए चलते हैं और उनको सुनते हैं। झारखंड वासी को निमंत्रण करता हूँ कि फिर से मैं झारखंड में उपस्थित होकर के मैं अपने कारोबार को सुचारू रूप से चलाते हुए जनता के बीच रहूंगा। ये मेरा वादा है, हमेशा की तरह जनता के बीच रहूंगा। अभी कुछ पल मैं अपने मनोरंजन के तौर पे हूँ, मनोरंजन कर रहा हूँ और हमारे झारखंड वासियों को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, जो कि आपका झारखंड का बेटा इस धरातल पे आके अपने कार्यक्रम में शामिल होकर के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित हैं। और यहाँ के हमारे मंत्री महोदय जी आ रहे हैं, अमरजीत भगत, जो हमारे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से विधायक के रूप में चुने गए हैं और यहाँ के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और यहीं पे मैं उनके कार्यक्रम में भागी लेने के लिए आया हूँ। कुछ ही पल में हमारे मंत्री महोदय जी यहाँ पे उपस्थित होंगे और यहाँ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के जनता के साथ अपने सुख दुख को समझते हुए उनको आश्वासन और विश्वास देंगे, दिलाएंगे कि वो भले भांति अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जनता को विकास की ओर ले चलेंगे। यही हमारा तमाम झारखंड वासी से कि मैं मुझे ऐसा मौका मिला है जो कि छत्तीसगढ़ के खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ सम्मुख होकर उनके पास दो लफ्ज बोलने का अवसर मुझे मिलेगा। यहाँ के सारे जनता को बेसब्री से इंतज़ार था, जो इंतज़ार की पल ख़त्म हो चुका है। अब कुछ ही पल में हमारे मंत्री महोदय जी अमरजीत भगत जी यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं इस कार्यक्रम में। हर जनता को मैं सम्मानित करते हुए मैं भी एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी यहाँ से यहाँ के कल्चर को लेकर अपने झारखंड वासियों को प्रकट करूँगा कि हमारे मंत्री महोदय के नेतृत्व में ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम हुआ, अविनाश मिंज और उनका पत्नी शशि टोप्पो उपस्थित है। ये चीफ गेस्ट के रूप में स्पेशल झारखंड से आमंत्रित किया गया है, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है, दर्शाती है हमारे झारखंड राज्य में जो भी कमियां होंगी उसको सोचने समझने का, और हमारे झारखंड में जो भी विकास की कार्य हो रही है उसे भी हम जनता को आगाह करता हूँ कि हमारे झारखंड भी एक विकसित खाद्य पदार्थ देश है, जिसमें हम लोग पले बढ़े और अभी ये झारखंड के शान आन शान को देखते हुए ये छत्तीसगढ़ में मैं उपस्थित हुआ हूँ। और छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर के उल्टा पानी, जहाँ पे पानी विपरीत दिशा में बहते हुए मैं देखा हूँ और वहाँ गाड़ी खड़ा रहने से भी गाड़ी ऑटोमेटिक उल्टा दिशा में ही चलता है। मेन पॉइंट में मैं जा कर के उस जगह का निरीक्षण किया, वहाँ पे का सुंदरता कुछ देखने का योग थे। हमारे देश के भिन्न भिन्न जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और इनका स्वभाव बढ़ाते हैं और इनका सच्चाई को जानते हैं कि क्या यहाँ पे देखने योग है जो यहाँ पे है। इनको मेन पार्ट के नाम से जाना जाता है। ये महेशपुर से, मेरे ससुराल महेशपुर से काफ़ी नज़दीक है, जो कि मुझे आने जाने में ज़रा सी भी कठिनाई नहीं हुई
और मैं यहाँ पे उपस्थित होकर के लोग के सभा में शामिल हुआ हूँ और मैं अपने सारे परिवार के साथ कुशल मंगल हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे झारखंड वासियों को भी कि आप लोग भी सभी कुशल मंगल हैं और मुझे आने के बाद मैं जनता के बीच उपस्थित रहूँगा और हर सुख दुख का जीवन साथी बन के रहूँगा। मैं वादा करता हूँ झारखंड वासी से और मुझे आशीर्वाद दे, विनती प्रार्थना करे कि मैं जैसे आया हूँ वैसे वापस जाऊँ पुनः और आप लोग के बीच में उपस्थित हो करके आप लोग का हर कार्यक्रम में शामिल हो के या मनोरंजन का कार्य हो या सुख दुख की समस्या हो उस समस्या को समझते हुए समझाते हुए मैं हर जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ले चलूँगा आगे। हर जनता को मैं अपने साथ साथ ले चलूँगा और कोशिश करूँगा हर जनता हर युवा के लाइक रहूँगा और उन्हें भी एक दिन ऐसा होगा कि उन्हें भी आमंत्रित करके ऐसे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बुलाया जाएगा दो पल रखने के लिए। और आज का दिन हमारा बिहार सरकार में गठबंधन का सरकार जो काउंटिंग हो रहा है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका विजय है, विजय की लहर है, उसमें भी मुझे शामिल होना है, उसका भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें लगे हुए हूँ। आप लोग से निवेदन है कि मुझे वहाँ जाने में बात दे ताकि मैं वहाँ पहुँच करके अपना विजय जुलूस में शामिल हो करके मैं वहाँ विजय के रूप में भी प्रकट करूँ। और हम चाहता हूँ कि हर राज्य में हमारे गठबंधन की राज चले और मिलजुल कर सारे विकास के कार्य को आगे ले चले। और यहाँ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सरगुजा का खेती बहुत नामी है, भाग्यशाली है, यहाँ सरगुजा का खेती बहुत भारी मात्रा में होती है। और यहाँ पर देखिए NH-33 में मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय जी भी उपस्थित हो रहे हैं लेकिन उनका दार ये कुछ दूरी है, यहाँ के जनता अपना धीरज पूर्वक उनका इंतजार कर रहे हैं और उसका आने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जैसे यहाँ के बच्चियों माताओं पिताओं उनका स्वागत के लिए खड़े हैं जो कि उनको माला अर्पण करके और यहाँ के छत्तीसगढ़ के कल्चर के रीति रिवाज से उन्हें स्वागत करके अपने स्टेट तक बैठाएंगे और उनका दो बात सुनेंगे और अपना बात अपना पक्ष अपने कमियों को रखेंगे जिसको हमारे मंत्री महोदय जी विशेष रूप से दर्जा देते हुए उन लोगों के विचार को समझते हुए उनका भावनाओं को समझते हुए अपने कार्य को करेंगे, यही हमारा उम्मीद है। और मैं इसी तरह से यहाँ से कुछ शिक्षा प्राप्त करके अपना पुनः फिर से लोहरदगा जिला झारखंड में पधारूंगा और अपना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का भावी उम्मीदवार के रूप में जनता से जन जन तक वोट मांगूंगा, मुझे विजय कराओ और मैं विजय होकर आप लोग का हमेशा सेवा करने वाला। जय छत्तीसगढ़ बनाम झारखंड की धरती लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में मैं फिर से पधार रहा हूँ। धन्यवाद।